पहली बार हावड़ा के रेलवे स्टेशन से उतर के, हावड़ा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के हमको सियालदह रेलवे स्टेशन जाना है। हमको आपको डर लग रहा है। सियालदह रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे बिजी रहने वाला स्टेशन में पोजीशन नंबर 2 है इसका। हावड़ा रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हम लोग सियालदह रेलवे स्टेशन में कैसे जाएंगे, इसको प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको दिखा रहा है। प्रदीप्ता ब्लॉगर हेल्पिंग ब्लॉगिंग चैनल है। अब आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपको गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 से बाहर निकलना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 प्लेटफॉर्म नंबर या प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर निकलने के बाद आप सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाइए। सामने एक सुरंग पथ रास्ता मिलेगा। सुरंग पथ रास्ते से आपको बिल्कुल नीचे की ओर उतरना है। प्रदीप्ता ब्लॉगर सुरंग पथ रास्ता या सब्बे से नीचे उतर गया है, अब वो आगे की ओर बढ़ेगा। आप किसी भी सुरंग पथ रास्ते से ऊपर जाने से आपको बस स्टैंड मिलता है। यहाँ बहुत सारे सुरंग पथ रास्ते हैं। हावड़ा के रेलवे स्टेशन से पहले बाहर निकलिए आप। इस रास्ते से प्रदीप्ता ब्लॉगर जो है ऊपर आया है और ऊपर क्यों जाने वाला है इसको आप देखिए। ऊपर जाने से आपको चारों तरफ बस स्टैंड मिलेगा। बस स्टैंड बसी बस मिलेगा आपको। देखिए आप इसको सुरंग पथ से बाहर लोगों को निकलते हुए देखिए और चारों तरफ बस स्टैंड ही बस स्टैंड है, बसी बस है। देखिए सब बस के एंक्वायरी काउंटर को देखिए। बस एंक्वायरी में पूछिए कौन सा बस सियालदह रेलवे स्टेशन की ओर जाएगी। ये बस का एंक्वायरी काउंटर है, यहाँ से पूछिए कौन सा बस जाएगा। बहुत सारे बस हावड़ा रेलवे स्टेशन से सियालदह रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। ये S12 बस जो है सियालदह जाती है। ऐसे बहुत सारे बस सियालदह जा रही है, आप पूछ के उसमें बैठ जाइएगा। जिस बस में आपको सिटिंग बैठने का जगह मिल जाए उस बस में आप बैठ जाइए। प्रदीप्ता ब्लॉगर S12 बस के अंदर बैठ गया है। S12 बस को आप देखिए। ये बस जो है हुगली नदी के ऊपर से जा रहा है। ये बस जो है हुगली नदी के होते हुए ये सियालदह रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। ये बस जो है हुगली नदी के ऊपर से जा रही है। इसका बगल आपको दिखा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सामने बेबन रोड के ऊपर से बस जा रही है। आप 20 से 30 मिनट के अंदर जो है सियालदह के रेलवे स्टेशन के पास वाले बस स्टॉपेज में उतर जाएंगे। ये सियालदह स्टेशन जाने के लिए पास वाला बस स्टैंड है। यहाँ पे कंडक्टर ने मेरे को उतरने को बोला है। बस स्टैंड को देख लीजिए। इसके बाद इस बस स्टैंड से सीधा मैं आगे की ओर प्रदीप्ता ब्लॉगर जाएगा। इसको आप देखिए। प्रदीप्ता ब्लॉगर इस बस स्टैंड में उतरा था। उतरने के बाद ये आगे की ओर जा रहा है। प्रदीप्ता ब्लॉगर आगे की ओर जा रहा है। आगे की ओर जाते हुए ये अपने लेफ्ट हैंड साइड बाएं साइड की ओर मुड़ जाएगा। इसको आप देखिए बाएं साइड में मुड़ चुका है। ये प्रदीप्ता ब्लॉगर मुड़ चुका है। सामने सियालदह स्टेशन है। सामने वेलकम टू सियालदह रेलवे स्टेशन है। सीधा सामने जाने से सियालदह के रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले हैं और पास में आ गए हैं। सियालदह रेलवे स्टेशन के पास में प्रदीप्ता ब्लॉगर पहुंच गया है। ये सियालदह रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को आप देखिए। अगर आपको प्रदीप्ता ब्लॉगर का ये वीडियो अच्छा लग जाए तो
आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सियालदह रेलवे स्टेशन का गार्डन है। सियालदह रेलवे स्टेशन में टोटल 21 नंबर प्लेटफॉर्म है। सियालदह रेलवे स्टेशन को एक और एंगल से दूर से देखिए कैसा लगता है, बहुत बड़ा स्टेशन है। आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।